हाय स्टूडेंट्स, आई एम इशफाक सर। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट राउंडेड नियरेस्ट टू टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स को राउंड टू द नियरेस्ट इसकी मीनिंग क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे। हियर इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on 10. As we know, this 5 is the midpoint of, here I mention this. As we know, कि 0 से लेके 10 तक ये जो digit 5 है, ये 0 से लेके 10 numbers का क्या है? Midpoint है ये. अगर हमारे पास कोई number होगा, for example, अगर हमारे पास कोई number होगा, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 13 × 6, हमें इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई हमें क्या करना है? राउंडेड नियरेस्ट टू 10। अगर हम इस 13, पहले हम इस 13 को अलग से देखेंगे, इस 13 को हम अलग से देखेंगे। पहले इस 13 में क्या है, ये हम लिख सकते हैं 10+3 की शक्ल, है ना। तो अब ये 3 हम इस, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे, अब हम ये जो 3 है इस नंबर लाइन पे चेक करेंगे। ये 3 कहाँ आता है? ये 3 यहाँ आता है। मिड पॉइंट क्या है? 5। तो हमें इस 3 से 0 पे जाने में आसान नहीं होगी, या हमें इस 3 से लेके 10 पे जाने में आसानी होगी। 0 तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप्स बैक जाने हैं, 10 तक जाने के लिए हमें 7 स्टेप्स आगे जाने हैं। तो इस 13 को हम कह सकते हैं कि हम इस 13 को राउंड ऑफ करेंगे 10 में, क्योंकि इस 3 से हमें 0 पे जाने में आसानी है। तो इसका मतलब ये है कि 13 राउंड ऑफ किसके होता है? 10 ही के, क्योंकि 10 तो 20 का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? 15, वो 15 पे आता है। तो 13 क्या आता है? 15 से पीछे। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर 13 है ये राउंड ऑफ किसके जाता है? 10 के। इसी तरह से हमारे पास दूसरा नंबर जो था 16, 16 नंबर है। 16 कहाँ आएगा? 16 को हम लिख सकते हैं 10+6 की शक्ल में। अब हम इस 6 को देखेंगे, ये 6 कहाँ है? ये 6 यहाँ है, ये 6, सॉरी, ये 6 कहाँ है? यहाँ है ये 6। तो ये 6 क्या है? मिड पॉइंट के आगे है। तो इस 6 से पीछे जाने के लिए हमें 6 स्टेप्स को आगे जाना है, और फॉरवर्ड जाने के लिए हमें सिर्फ 4 स्टेप्स को। इसका मतलब है कि इस 6 से हमें आसान है 20 पे जाना एज कम्पेयर टू पीछे 10 पे जाना। तो हम कहेंगे कि ये 16 राउंड ऑफ होता है किसके? 20 के। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ राउंडेड नियरेस्ट टू टेंस। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन पे आएंगे। हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है? 36 × 54। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट हमें करना है, ये हमें करना है राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हियर 36 इज राउंडेड नियरेस्ट टू 40। यहाँ पर हमने 36 को राउंडेड नियरेस्ट किसके किया है? 40 के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वन प्लेस पे देखेंगे 6, तो 6 से हमें 40 तक जाने में आसानी है एज कम्पेयर टू 30 तक। तो हम 36 को राउंड ऑफ करेंगे 40 पे, और 54 को हम राउंड ऑफ करेंगे 50 पे, ऐसे। तो अब हमें किसका प्रोडक्ट करना है? 40 और 50 का, लाइक दिस। कैसा? फिर मैंने इनका प्रोडक्ट किसको किया है? मैंने प्रोडक्ट 40, क्योंकि 36 को हमने राउंड ऑफ किया 40 के साथ, और हमने प्रोडक्ट किया 54 यानी 50 को, क्योंकि 54 को हमने राउंड ऑफ किया है 50 के साथ। इनका अब हमें प्रोडक्ट करना है। देखिए 40 × 50, दैट इज इक्वल टू, अब हम सबसे पहले जीरो, इस जो ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो
जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई फोर इज जीरो, इस नीचे इस वाले फाइनल प्लेस पे जो जीरो इसके नीचे हम क्रॉस डालेंगे, फाइव मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर इज फोर, सॉरी फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी इज ट्वेंटी, हियर ये जीरो एज इट इज रहेगा, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जी जीरो और दिस टू एज इट इज, सो आंसर हमारे पास क्या आया टू, आंसर क्या आया हमारे पास 2000 रुपीज़, 2000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको किया है, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, आपको जरूरी नहीं है बट एक्चुअली इनका प्रोडक्ट क्या है 36 मल्टीप्लाई 54, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, 1944 इज द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड दिस एक्चुअल प्रोडक्ट इज टचिंग टू द राउंड ऑफ प्रोडक्ट 2000। थैंक्स स्टूडेंट्स।